मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और देखिए, आज अगेन मैंने हेयर वॉश कर रही हूँ। बाल देख लीजिए कितने झड़ रहे हैं। तो आज है संडे और आज है व्रत बाली पूर्णिमा, तो इसलिए मैंने हेयर वॉश करे हैं, क्योंकि व्रत है। कोई भी व्रत बिना हेयर वॉश करे नहीं रहा जाता है, मतलब शुद्ध धो के ही रहा जाता है कि अच्छे से शुद्ध धो के नहा धो के पूजा पाठ करके व्रत रहना चाहिए। तो आज है व्रत की पूर्णिमा, तो हमें व्रत। और अगेन मैंने मॉर्निंग से अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए फिर अभी फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। बन रही है चाय, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। और यहाँ पे जो है रेखा सब्जी काट रही है। हेलो फैमिली, आ जाइए, मैंने पी ली, बना रही है चाय, तो मैं पी रही हूँ चाय, आप लोग भी पी लीजिए। यहाँ पर रेखा जो है सब्जी की तैयारी कर रही है, इस तरफ जो है दाल रखती है बनने के लिए। तो चलिए फिर। यहाँ पर जो है हम लोग बना रहे थे रोटियाँ, और देवर जी जो है खाते जा रहे थे गरम गरम, क्योंकि उनको खरी खरी रोटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियों का दिन है, इसलिए वो घी में ही थाली में घी रखे हुए हैं, और रोटी के साथ जैसे लगा के खाते जाते हैं। उनको इस तरीके से खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हाय फैमिली, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। हम लोगों का खाना वगैरह सब कुछ हो गया। अभी मैंने जो है बालों में करी है मेहंदी। मेहंदी करने के दो रीज़न है, एक तो कल जो है बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, ऊपर से बाल भी थोड़े से सफ़ेद हो रहे थे, तो उसकी वजह से भी। और साथ में जाना है शादी में, तो थोड़ा सा बालों को अच्छा करना अच्छा रहता है, इसलिए बालों में जो है मेहंदी डाल ली है। वैसे तो मेरे बाल बहुत ही सिल्की हैं, और साथ में इतने ज़्यादा सफ़ेद नहीं है, थोड़े बहुत हैं जो एक एक दो दो चार चार हैं, तो उनमें ही मैंने सोचा चलो फिर मेहंदी डाल लेती हूँ। और अभी जो मैंने ब्लाउज बनाए थे उनके हुक वगैरह नहीं लगे, तो अभी उनको भी लगाना है, हेयर वॉश करना है उसके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मेहंदी डाले, थोड़ी देर और डालूंगी। और बाहर से आवाज़ आ रही है क्योंकि मम्मी लोग मौसी लोग काम कर रही है, और आज फेस अच्छा लग रहा है मेरा, तो कभी कभी तो अच्छा लगता है, कभी कभी तो पता नहीं कैसे अजीब सा लगने लगता है। और बस अभी जो है फटाफट से हेयर वॉश करना है थोड़ी देर में, पहले लगा लेती हूँ हुक, उसके बाद जो है करूँगी हेयर वॉश। हेयर वॉश कर लेने के बाद बाकी के जो काम है वो निपटाने हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि घर में बहुत ज़्यादा काम है, मेहमान आए हुए हैं, और अभी तो दीदी लोग भी आने वाले हैं, और भी मेहमान आने वाले हैं। अभी तो बस थोड़े थोड़े मेहमान आए हैं, तो जिन जिन को मैं हो सकेगा पत्ते खाऊँगी, क्योंकि जिनको कोई ऐतराज़ नहीं होगा, पूछ के ही किसी को जो है कैमरे में लाना चाहिए। ऐसा नहीं, वैसे कैमरे में हम लोग कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे, अपनी डेली लाइफ ही शेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, बढ़िया से जैसे कि एक कायदे से होता है वैसा ही वीडियो शेयर कर रहे हैं। बट फिर भी लोगों को ऐतराज़ हो जाता है, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी अपनी मानसिकता है, और कुछ लोगों की मानसिकता होती ही घटिया है, तो फिर घटिया लोगों की क्या लगना। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं फटाफट से, थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर में मिलूंगी, फटाफट तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी मुझे हेयर वॉश करना है और हुक लगाना है, और जो बाकी के काम है वो भी निपटाना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये खुरमी बनाई गई है, जिनको शक्कर में पागा जाएगा। और यहाँ पे धौंस के बारे हैं, धौंस मैं बता दूँ काली दाल होती है, उसको धुलकर पीस कर जो मतलब पिसवा कर फिर इस तरीके से पपड़िया टाइप के बनाते हैं, तो धौंस के बारे बोलते हैं इनको। तो अभी जो है ये मैं धौंस के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि रेखा चली गई हेयर वॉश करने के लिए, उसने भी बालों में मेहंदी करी हुई थी, क्योंकि उसके मायके में भी शादी है, और हम दोनों जो है अपनी अपनी मायके में शादी की तैयारियों में लगी हूँ। तैयारियों के साथ साथ में कल घर में मेहमान भी आएंगे, तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है, तो शादी और दोनों ही से मतलब तैयारियाँ करनी है। तो मैं इस तरह देख रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में जो है मैंने वो बड़े डाल रखे हैं, मतलब पपड़ियाँ हैं, पर इनको धौंस के बड़े बोलते हैं, पूजा में लगते हैं कल की। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, और बाल थोड़े अच्छे लग रहे हैं, सिल्की हो गए हैं, जिसको मेहंदी डालने के बाद तो वैसे ही बाल अच्छे हो जाते हैं। और सामने से देखो शिवा बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है वहाँ पे, गेम खेल रहा है शायद भैया के फोन में, मतलब छोटू के फोन में। तो चलो, तो अभी मैं इनको फटाफट से बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ।
यहाँ पर जो है आदि वो रेखा बदल रही थी ट्वायरिंग और पायल, तो पायल उसने पहन ली है, ट्वायरिंग बदल रही है, तो वो हम दोनों के सेम सेम है जो कि अंगूठे वाले हैं। तो क्योंकि हम दोनों को बहुत पसंद आए थे इसलिए हम दोनों ने एक ही शॉप से खरीदे थे। शॉप से क्या सोनी घर पे आता है तो उससे ही खरीदे थे। बैकग्राउंड से आवाज़ें आएंगी तो इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि अभी आप लोगों को पता ही है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेहमान हो। देख लीजिए पायल, तो मैं कह रही थी कि इस तरीके से निकाल लूँ तो इसलिए। और इसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ पे पायल बदलने के लिए, तो पहले मैं दूसरी पायल पहन रही थी बट वो उसका जो है कुलाबा जो कि लॉक सिस्टम है वो नहीं खुला हुआ था, एक साइड से एक पायल का तो खुला था क्योंकि मुझे ये पायल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और थोड़ा सा रोशनी कम है। तो आप लोग इसको भी इग्नोर कर दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी पायल वगैरह कैसे लगे, पायल न्यू टोयरिंग कैसे लगे, रेखा के कैसे लगे, क्योंकि हम दोनों ने ही चेंज करे हैं। जैसे कि मैंने बताया हम दोनों को ही शादी में जाना है, तो इस पायल को मैं किसी और दिन पहनूंगी, फिर आप लोगों के साथ प्रॉपर वीडियो शेयर करूँगी कि इस तरीके से है। और क्योंकि अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पैर देखो कितने रूखे रूखे लग रहे हैं, कुछ भी नहीं लगाया हुआ है क्योंकि काम इतना ज़्यादा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है कुछ भी अपने लिए करने के लिए। तो बस इसलिए फिर चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि घर में जब काम होता है तो फिर इस तरीके से हो जाता है। तो फिर मैंने इन वाली पायल को जो है पहन लिया है, यहाँ पर मैं टॉयरिंग चेंज कर रही हूँ। तो चलिए फिर अभी आप लोग वीडियो को इन्जॉय कीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। सारा काम और एक चीज और दिखानी थी, ये देख लीजिए मैंने नोज पिन भी बदली हुई है। तो अच्छी लग रही है, बताइएगा आप लोग कैसी लगी है। तो आज एक वीडियो में काफी सारे सरप्राइज हैं, काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी पूरी करी है मैंने एक तरीके से, तो नोज पिन की भी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो जैसे मुझे शादी में भी जाना है वहां पे भी वो है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो शादी में भी जाना है इसलिए मैंने नोज रिंग भी बदली हुई है और पायल बिछिया। और पायल वो वाली जो पहन रही थी वो इसलिए नहीं पहन पाई क्योंकि उसका जो एक साइड का कुलाबा होता है ना जो कि जिसको लगाते हैं लॉक करते हैं, तो वो कटा हुआ नहीं है, दोनों साइड से वो है, एक साइड से कटा एक साइड से कटा नहीं है, तो जिसके कारण से मैं वो वाली पायल नहीं पहन पाई। मुझे वो बहुत पसंद थी और सुंदर भी लग रही थी, न्यू है तो मुझे वही पहननी थी, तो फिर सोचा चलो ये दूसरी भी तो न्यू रखी है तो उसको पहन लिया। और बाकी की जो भी तैयारी करनी है मॉर्निंग में करूँगी क्योंकि शाम को शादी में जाना है, अभी नहीं जाना है, मॉर्निंग में तैयारियाँ करूँगी। और बिछिया पायल बताइएगा कैसे लग रहे हैं, मेरे न्यू टॉय रिंग कैसे लग रहे हैं और नोज रिंग भी बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो चलिए फिर अभी इस वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।